हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आज फिजिक्सिफाई में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। जैसे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है इसका मतलब वो हाईली मैग्नेटिक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है वो कम मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड होता है। लेट अस अस्यूम हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है छोटा सा, जिसका पोल स्ट्रेंथ पी है। तो नॉर्थ पोल को प्लस पी से दिखाया है, साउथ पोल को माइनस पी से, डिस्टेंस हमने इन दोनों के बीच में आर ली है। तो मान लेते हैं एच जो फील्ड में है, और एच फील्ड में है तो फोर्स कितना लगेगा, पी एच। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट्स को अपने डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये नीचे की तरफ, तो उसको हमेशा अपने डायरेक्शन में लेकर आने की वो कोशिश करेगा। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जब आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो इस एक थीटा एंगल के ऊपर, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगाएगा, जो टॉर्क इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अब इसके पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर और फोर्स कितना है, पी एच, आर पी एच साइन थीटा। ये जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यानी जो ये डाइपोल आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका आर पी एच साइन थीटा। अगर मैं एच को 180 रख लूँ, थीटा को 90 रख लूँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट के सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश की। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सिंपल जितना टॉर्क इसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर, वही है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। यानी एक सेम फील्ड के अंदर अगर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है उसके ऊपर कम टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो खुद एक मेजर है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जब एक आपका डायपोल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में होता है एंगल थीटा के ऊपर, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को देते हैं हम m डॉट h से, यानी mh cos थीटा से। अगर थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर थीटा आपका जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम एच, एकदम पैरेलल हो जाएगा। और जब थीटा 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल हो जाएगा फील्ड के, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो स्टेट है माइनस एम एच, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्यों? क्योंकि वो इसके एकदम पैरेलल आ जाएगा। जब वो एंटी पैरेलल होगा तो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि फील्ड उसको उसकी डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे AGM है आपका, अल्टरनेटिंग ग्रेडियंट मैग्नेटोमीटर, VSM है वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर, और स्क्विड है सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस है। तो कई ये डिवाइसेस जिनकी में से आप मैग्नेटिक मोमेंट जो है निकाल सकते हैं। हमारी लैब में हमारे पास VSM ऑप्शन है PPMS फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट सिस्टम में। तो हमारे IIT दिल्ली में स्क्विड भी है और AGM भी हमारे IIT दिल्ली के अंदर है। तो अगर आप रिसर्च में काम करते तो आपने इन मशीनों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट, हम इसको मेजर। अब यूनिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक मोमेंट की मैं यूनिट निकालूं तो ये आ जाएगा CGS यूनिट की बात करूं तो पर ओस्टेड, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हैं EMU अनऑफिशियली, ये है पर ओस्टेड EMU। तो जो हमारा PPMS के अंदर जो VSM में डेटा आता है हमारा, वो EMU में आता है। तो हम EMU में डेटा देते हैं, तो दैट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमने जाना कि मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली क्या है, जितना टॉर्क आपका इसके ऊपर लगता है डाइपोल के ऊपर आपके मेटल के ऊपर, वही है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हम मेजर उसको परोस्टेड यानी EMU में करते हैं, और ये मशीन है जिनसे हम इनको मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में छोटा सा डिस्कशन। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसको आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक हम मिलेंगे आपसे एक नए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हाँ,
हमारी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।